देश के लखनऊ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने विपक्षी दलों को निमंत्रण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक 9 राज्यों में करीब 2800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी दलों ने नेताओं को इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, विधायक एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं सांसद जैन चौधरी, सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव अतुल अंजान, सतीश चंद्र मिश्र सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। बता दें कि पांडे ने कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, ऐसे में देशवासियों के मन की बात को जानने के लिए यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। संपूर्ण विपक्ष का भी लगभग इस सरकार के प्रति एक जैसा ही नजरिया है, इसलिए यात्रा में सहभागी बनने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संगठन दिनेश सिंह ने बताया कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी लखनऊ की विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के नाते यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी के कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद ने 9 कमेटियों का गठन किया है। 9 कमेटियों सदस्यीय प्रचार एवं ब्रांडिंग कमेटी की कमान नदीम जावेद को सौंपी गई है। वहीं टेंट एवं इको मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन योगेश दीक्षित को बनाया गया है। 15 सदस्यीय मोबिलाइजेशन एवं कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी आराधना मिश्रा को सौंपी गई है। वहीं फूड मैनेजमेंट कमेटी की कमान प्रदीप जैन आदित्य संभालेंगे, जो मीडिया मैनेजमेंट अखिलेश प्रताप सिंह अपनी 11 सदस्यीय टीम के साथ भी दिखाई देंगे। एक्सेस मैनेजमेंट कमेटी की जवाबदेही सतीश अजनानी और इंटरनेट मीडिया की दिनेश सिंह टीम संभालेगी। 12 सदस्यीय महिला यात्री मैनेजमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डाली शर्मा को बनाया गया है, जबकि प्रादेशिक यात्री मैनेजमेंट कमेटी का राजेश मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 10 सदस्यीय प्रादेशिक समन्वय समिति में पार्टी के शीर्ष नेता सलमान खुर्शीद, ब्रजलाल खाबरी, डॉक्टर निर्मल खत्री, प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, आराधना मिश्रा, अजय कुमार लल्लू, प्रदीप माथुर, अनुग्रह नारायण सिंह व आचार्य प्रमोद कृष्णमन को शामिल भी किया गया है।